देश ही नहीं विदेशों में भी पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद शहर हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। मुरादाबाद के पीतल के आइटम जहां देश विदेश में निर्यात होते हैं, तो वहीं मुरादाबाद के युवा भी अब हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। मुरादाबाद शहर के रहने वाले एक छात्र ने अनोखे ग्लव्स तैयार किए जो बहन बेटियों महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। शहर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र भारत सैनी ने अपने भाई के साथ मिलकर बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए अनोखे ग्लव्स बनाए हैं। हाथ लगाने पर 420 से 1600 वॉट का करंट लगेगा। संसाधनों के अभाव में भी इन बच्चों ने ऐसा ग्लव्स बनाया है जिनको प्रोत्साहित करने के लिए जरूरत है। ये बच्चे कुछ बड़ा कर सकते हैं। मुरादाबाद के रहने वाले 19 साल के छात्र भारत सैनी ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्लव्स बनाए। इन ग्लव्स की मदद से छेड़छाड़ करने वालों को 420 वॉल्ट का झटका लगेगा। ये ग्लव्स छात्र ने लगातार बढ़ रही छेड़खानी और घटनाओं और बलात्कार जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, जिससे बहन बेटियों और महिलाएं सुरक्षित रह सके और अपनी रक्षा कर सके। इन बच्चों के संसाधनों के अभाव को देखते हुए बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास के अध्यक्ष पवन कुमार जैन ने भारत सैनी को प्रोत्साहित करते हुए कहा, संसाधनों का अभाव है, इनका कार्य नहीं रुकेगा। सर, ये मैंने हाईटेक ग्लव्स बनाया है। जैसे कि क्या होता है, कभी 2023 में अभी पीछे एक जो लड़की थी हमारी, जो लड़की यानी छात्र, उसे पूरी तरह से अन्वस्त्र कर दिया था, पूरी तरह से नंगा कर दिया था। और प्लस एक ये भी हुआ था कि पीछे अभी एक लड़की का रेप करके बाहर छोड़ दिया था, एक भाई ने उसकी हेल्प की थी, तो उसी को देखकर मतलब जो माँ है हमारी, मतलब लेडीज़ को, जो लड़की को जो हमारी होती है, हमारी तरह से पूरी भारत माँ माना जाता है उन लोगों को, तो उनका वस्त्र उतारे जा रहे हैं कि ये हमारे भारत के लिए जो ठीक रहेगा। तो उसी को देखकर हमने ये ग्लव्स तैयार किया, जैसे कि कोई भी लड़की बाहर या आसपास कहीं जाती है, उसको अपने आप अकेला समझती है, तो अकेला नहीं समझ पाएगी इस ग्लव्स पहन के। लेकिन अगर कोई इसे छेड़छाड़ करता है तो उसे एक 440 वोल्ट के से 420 का झटका लगेगा। और झटका लगने के बाद भी अगर नहीं भागता है वो, तो इस ग्लास में 1600 वोल्ट का झटका लगेगा। सर, अगर नहीं भागे 400 वोल्ट है, तो उल्टे हाथ के ग्लास साइड से टच करने के बाद से 1600 वोल्ट का एक झटका लगेगा। और 1600 वोल्ट एक अपने आप में मायने रखता है। अब ये कहते हैं कि इससे इंसान मर भी सकता है, लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि मोशन सेंसर उसमें लगाया है। मोशन सेंसर ये काम करेगा, इसमें झटका लगाने के बाद 3 सेकेंड का ये वेट करेगा, 3 सेकेंड के बाद पुनः उसको झटका मारेगा। आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रेरणा सर मेरी जो मेरी मम्मी है। ये क्या होता है, कभी हमेशा रात में आती हैं, 10 बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं, तो ये अकेली हर रोज सफ़र करती हैं, गगन से लेकर हनुमान मूर्ति तक। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया है, चक्कर लगाना। तो इन्हें भी सेफ्टी देने के लिए एक उनकी भी लिए बनाया है, और जो ज़्यादातर ये महिला को लिए बनाया है सेफ्टी लिए, इसे कोई पुरुष ना ही पहने तो बेहतर रहेगा। बाबू मुकुल बिहारी लाल जैन सेवा न्यास इनके प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक सहयोग करेगा। आपको बता दें कि बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास बच्चों की शिक्षा, बस्ता, ड्रेस, अल्प आय वर्ग के बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के लिए फीस आदि देने का काम करता है। इसी कड़ी में इन बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया गया है। बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा के कार्यों में संलग्न है। आज मुझे जानकारी मिली कि इन बच्चों ने एक अद्वितीय ऐसी चीज बनाई है कि जो बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होगी। इस स्थान पर मैं आया और मुझे लगा कि ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके पास संसाधनों के अभाव हैं। अभी हमने अपने ट्रस्ट से इनको सहयोग करने का विचार किया है, हम इनको सहयोग करेंगे। बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं भी ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही हम इनको बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा बातचीत करके इनको एक इनका जो सपना है उसको पूरा करने का, क्योंकि बच्चे ने अभी जाहिर किया है कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो बाकी तो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन हमारा ये रहेगा कि इसका सपना पूरा हो और देश के लिए, समाज के लिए काम करे, मुरादाबाद के नाम को रोशन करे और ये परिवार आगे बढ़े। अजय साहब, आपको इस परिवार के बारे में कैसे पता लगा, कैसे आपने जाना है कि परिवार प्रोडक्ट तैयार कर रहा है? ये एक मीडिया संस्थान से ही मुझे पता लगा, एक न्यूज मैंने जानकारी में आई थी, न्यूज देखी थी, जिसमें ये पता लगा कि शिशु मंदिर के विद्यार्थी एक काम कर रहे हैं ऐसा। फिर मैंने शिशु मंदिर में मैनेजमेंट से बातचीत की, वहाँ के आचार्यों से बच्चे का फ़ोन नंबर लिया,
और तब हम यहाँ पर पहुँच पाए। मुझे जो है जिसने ये जानकारी दी, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि हमें ऐसे लोगों से मिलवाया है और हम इनके लिए कुछ आगे बढ़ाने का काम करें। क्या कहना चाहते? जैसे कि अभी प्रोटोटाइप है, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें आने वाले टाइम में थोड़े पैसे लगेंगे और ये पेटेंट के लिए भी जाएगा, तो आप इसमें कितनी सहयोग करेंगे? ऐसा है कि ये तो अभी कोई चीज जब बनाई जाती है, पेटेंट का काम अभी थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि अभी ये कोई कॉमर्शियल बेस पर काम नहीं कर रहे हैं। पहले ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसका जो है ट्रायल होगा, और ट्रायल होने के बाद में जो इसकी प्रक्रिया होगी वो स्पेशलिस्ट बताएंगे, विशेषज्ञ बताएंगे कि किस प्रकार से पेटेंट करना होगा, उसमें क्या व्यवस्था होगी, और जो सही प्लेटफार्म होगा वहां जाने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। अच्छा, आप क्या मानते हैं ऐसे युवा जो शक्ति है, ऐसे जो युवा हो उनको क्या होना चाहिए? सरकार के ओर से आज से जो डोनर्स हैं, आप जो सहयोग करता है, कैसे सामने आना चाहिए लोगों को, बताइए तो। भाई इन बच्चों को ये कह रहे हैं कि मैं 80 रुपए की बैटरी लाया, वो चल नहीं पाई, तो मैं इनकी आवश्यकताओं को समझ पाया हूँ। बहुत छोटी छोटी भी अगर इनकी बेसिक नीड हो जाएगी तो एक चीज जब बन जाएगी उसके बाद में तो बहुत सारी, हो सकता है आने वाले समय में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इनके पास आए और वो कहे कि तुम्हें केवल मेरे लिए काम करना है, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए वो समय चाहिएगा इनको। जनता में ऐसे और भी प्रतिभा वाले छात्र हैं समाज में, उनके लिए क्या मैसेज देना? इनके लिए यही मैसेज है कि वो अगर वो प्रतिभा समाज के सामने आए तो समाज में मैं भी जितना कर सकता हूं करूंगा, लेकिन ऐसे और भी बहुत लोग हैं, मुरादाबाद में कोई ऐसी बात नहीं है, मुरादाबाद में भी और देश में पूरे में बहुत लोग हैं जो ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाना चाहेंगे, जो हमारे शहर का भी नाम होगा और एक एक अच्छा काम है तो पूरा देश और विदेशों में भी इनका प्रोडक्ट पहुंच सकता है।